Now in today's class we'll proceed with our next exercise that is exercise 9 point. तो जहां तक एक्सरसाइज 9.2 के पहले हम बात करते हैं इसके कंसेप्ट की, तो जहां तक इसके कंसेप्ट की बात है तो इस एक्सरसाइज में अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्या, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले इतनी बात समझ में आ रही है हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। प्रीवियस सेशन में चैप्टर 10 था लेकिन अब ये चैप्टर 9 है, तो चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का जो कंसेप्ट है वो क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन। बस समझ में आ रही है। अब देखो अगर किसी लाइन में 2 पॉइंट्स गिवन हो उसका स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है ये तो हमें पता है। क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। बात यहां पर ये आती है कि अगर किसी भी लाइन पर अगर मैं आपको कह दूं 3 पॉइंट, दो तो आपके गिवन पॉइंट्स हो गए और देखो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो जो गिवन पॉइंट्स है वो तो आपको पता ही है एग्जैक्टली। जैसे कि मान लो एक पॉइंट हो गया 1, 2 और एक पॉइंट है -3, -1। एक हमने जनरल पॉइंट ले लिया एक्स, इधर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो आप क्या कहोगे वो पॉइंट कैसे है वो बोलो। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो वो पॉइंट कैसे है, वो कोलिनियर पॉइंट है। अब कोलिनियर पॉइंट को प्रूव करने का एक मेथड तो वो है जो आपको क्लास 10 से आता है, और वो ये आता है कि आप एग्री करते हो अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0। तो एक तो मैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन को वैसे फाइंड कर सकता, मैं क्या करूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 कर दूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड कैसे। फर्स्ट पॉइंट को आपने ले लिया x1 y, फर्स्ट पॉइंट को आपने क्या ले लिया x1 y, सेकंड पॉइंट को आपने ले लिया x2 y2, और थर्ड पॉइंट आपका साथ जिसको आपने जनरल पॉइंट का वो हो गया हमारा x3 y। अगर आपको याद हो प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का उसको कैसे फाइंड किया जाता है, उसको फाइंड किया जाता है। तो वो फॉर्मूला होता क्या है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो जो फॉर्मूला होता है आपका दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, फिर इसका साइन आता है मॉडुलस का, फिर क्या होता है x1 ब्रैकेट में क्या आता है y2 - y1 प्लस x2 ब्रैकेट में क्या आता है y3 - y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में क्या आता है y1 - y1। इसमें कोई डाउट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो देखो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 - y3, y2 की जगह क्या आ जाएगा -4 और y3 की जगह क्या आ जाएगा -, एग्री करते हो, ठीक है। प्लस x2, x2 की जगह क्या आ जाएगा -। अब देखो y3 - y1, y3 क्या है आपका y और y1 क्या है आपका प्लस x3, x3 की जगह क्या आ जाएगा x और y1 - y2, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस। इसमें कोई डाउट है तो यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे कैन आई से दैट विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ। देखो जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा -4 - 5 होगा, -3 को वाई के साथ सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -3 y, -3 और -2 कितना हो जाएगा +6, एग्री करते हो, ठीक है। +2 को एक्स के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा +2 x, और 4 को एक्स के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा +। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हाफ। अब ध्यान से देखो 4x + 2x कितना हो जाएगा 3x, -3y - y कितना हो जाएगा -4y, और 6 - 4 कितना हो जाएगा +2। मॉडुलस है तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। कैन आई से दैट, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, बिकॉज़ गिवन पॉइंट्स आर कॉलिंग दैट। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसको मैं इक्वल टू में 0 करूँ। अब ये जो हाफ है जब 0 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2/1 को 0 से करूंगा तो 0 ही हो जाएगा। कैन आई से दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी px - 4y + 2। एक मेथड तो ये जो आप ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हो 10th, ये माना जाता है आपके सिलेबस में नहीं था तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड किया जाता है, लेकिन नॉर्मली ये है कि आप 10th क्लास का कंसेप्ट है। ये तो वही 10th क्लास वाले कंसेप्ट से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमें 3 पॉइंट एक लाइन पर दिए, समझ में आ गया। तो दूसरा मेथड क्या उस पर आता है, दूसरे मेथड की बात, दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर देर इफ देर आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन, कौन कौन से, फर्स्ट
फॉर एग्जाम्पल में ए बी और बी, तो जो इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप होगा यानी कि स्लोप ऑफ ए, क्या होगा स्लोप ऑफ ए, और जो इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप होगा दैट इज स्लोप ऑफ बी बी या बी, ये दोनों इक्वल होंगे। मान तो ना एक ही लाइन ही तो है, तो दोनों का इक्वल होगा। अभी आपको अच्छे से पता है कि कैसे इसको फाइंड किया जाता है। जैसे कि अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करूँ तो वाई टू माइनस वाई वन कितना होगा, -4 -2 -6, -2 -1 -3 -1 कितना हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया कितना आ जाएगा 3/2। ये बात समझ में आ रही है। स्लोप ऑफ बी पी निकालो, वाई टू माइनस वाई वन तो ये हो जाएगा वाई प्लस, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 एक्स +3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है अंदर? ठीक है, तो देखो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव, देखो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 × x + 3 × x + 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 × y+। सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3x + 3 = 9, 2y + 4 = 8, तो क्या हो जाएगा 3x - 2y + 9 - 8 = 0, क्या हो जाएगा ये आपका 3x - 2y + 1 = 3, या जो भी वैल्यू आएगी। मैं कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ, फिर मैं कंसेप्ट पे जाऊँ, ये बात समझ में आ गई। तो आइडियली जब हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप के फॉर्मूले से ऐसे निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आ गई आप, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आप देख सकते हो पहले हमने क्या कहा, फर्स्ट मेथड क्या था इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का, कि हमने कहा कि अगर तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, थ्री पॉइंट्स आर होलिंग है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ से बताओ क्या होता है, x1 देन y2 - y3 प्लस x2 देन y3 - y1 प्लस x3 देन y1 - y3, ये बात समझ में आ गई। हाफ x1 की जगह क्या आएगा 1, तो आपने लिखा 1, देन y2 - y3 क्या y2 - y3, y2 की जगह क्या हो गया माइनस, तो आपने यहां लिखा माइनस, -y3, y3 की जगह क्या हो गया y, तो आपने लिखा माइनस, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्लस x2 तो x2 की जगह क्या आ जाएगा माइनस, देन y3 - y1 तो ये आपका y3 है, तो y3 की जगह क्या आ जाएगा आपका y, -y1 तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लस x3, x3 की जगह क्या हो जाएगा x, तो प्लस में क्या हो गया x, y1 - y2 तो y1 क्या है आपका 2, तो ये हो गया आपका 2, -y2 तो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या ये इतनी कैलकुलेशन क्लियर हो गई आपको? चलो मैं आगे, ठीक है, तो आगे देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 के इक्वल है, तो इक्वल टू में 0 आना चाहिए। अब ये जो हाफ वैल्यू है जैसे ही राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो ये हो जाएगा 2/4, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो -4 - y - 3y - 3 - 2 क्या हो जाएगा +6, और ये क्या हो जाएगा 2 + 4 6, 6 × x क्या हो जाएगा 6x, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, ये बात क्लियर है। अब आगे देखो 6x - 3y - y कितना हो जाएगा माइनस, ये बात समझ में आ गई, और 6 - 4 कितना हो जाएगा +2 = 0, यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ 2, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3x - 2y + 1 = 0, 2y से डिवाइड करोगे तो आपने देखा था स्लोप वाले मेथड से भी यही आ रहा था 3x - 2y + 1 = 0, तीसरी बात समझ में आ गई। ये था फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड मैंने क्या कहा आपको, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका y2 - y1 / x2 - x1, कई बार समझ में आ रही है, तो y2 - y1 में क्या हो जाएगा -4 - क्या हो जाएगा -4 - तो आप देख सकते हो -4 - ऐसे x2 - x1 क्या हो जाएगा -3 - फिर आता है स्लोप ऑफ ए बी, तो अगर आप स्लोप ऑफ बीपी फाइंड करते हो तो आप एग्री करते हो ये हो जाएगा y2 - y1 दैट इज y+4 अपॉन x2 - x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस दैट इज x+3, तो y+4 अपॉन x+ क्या हो जाएगा y+4 अपॉन x+3,
ये किसके इक्वल हो गया आपका वाई प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस। वाई सॉल्विंग दिस माइनस फोर माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, ये आपका हो गया माइनस फोर, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 5। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वाई प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, बोलो क्लियर हो गया यहां तक? आगे देख, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 × x + 3, तो ये हो जाएगा 3x + 9। 2 को जब y प्लस 4 के साथ करोगे हो जाएगा 2y + 8। वाइल सॉल्विंग दिस ये हो जाएगा 3x + 2y, यहाँ के क्या हो जाएगा -2y, ये हो गया +9 +8, यहाँ के क्या हो जाएगा -8 = 0। तो ये हो गया 3x - 2y + 1 = 0। क्या ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए? क्लियर हो गया? ठीक है, अब फर्स्ट, अब मेन जो फॉर्मूला आपका होता है कैसे हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को, उसका पहला कंसेप्ट होता है पॉइंट स्लोप। फर्स्ट कंसेप्ट क्या आता है? पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, मैंने क्या कहा एक पॉइंट गिवन है और आपको उस लाइन का स्लोप भी गिवन है, जो गिवन पॉइंट है एग्री करते हो उसको हम एक्स वन वाई वन कहते हैं। जो गिवन पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स वन वाई वन, ध्यान से सुनना। और स्लोप को हम क्या कहते हैं? तो ये भी आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है, और लाइन पे जो जनरल पॉइंट होता है उसको हम क्या लेते हैं? एक्स वाई। ये हो गया आपका जनरल, इसको हम लेट करेंगे, लेट एक्स वाई बी द जनरल पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से सुन, फिर से रिपीट कर रहा हूं। गिवन क्या है? दो चीजें गिवन। पहली चीज क्या? कि वो लाइन किस पॉइंट से पास, कौन सी लाइन जिसका आपको स्लोप गिवन, जिस लाइन का स्लोप एम है उसका गिवन पॉइंट क्या है? एक्स वन पॉइंट। और हमने मान लिया कि उसमें जो जनरल पॉइंट है वो किस फॉर्म में है? वो एक्स फॉर्म और वाई फॉर्म में होता है। तो इस लाइन का, इसकी ये तीन इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है, इसका स्लोप क्या, इसकी इक्वेशन क्या हो गया? तो इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बताओ पॉइंट स्लोप हम क्या कहते हैं? अगर हमें जो लाइन, जो जिस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना हो किस पॉइंट से पास होगी, एक पॉइंट अगर हमें गिवन है, एक पॉइंट, और उसका हमें क्या गिवन है? जनरल पॉइंट को हम क्या ले लेंगे? एक्स। तो हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी? 1 2 और 3। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। और इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट स्लोप। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पर जो कि लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, हम ये मान रहे हैं कि वो किस पॉइंट से पास हो रही है? एक्स वन वाई वन से। और उस लाइन का स्लोप क्या है? तो पॉइंट गिवन है। अब देखो पॉइंट स्लोप को क्यों कहा जा रहा है? पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो यहीं से नाम क्या पड़ गया? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप का मतलब कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है वो गिवन है, उस लाइन का स्लोप क्या है ये भी गिवन है। तो अगर ऐसा है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जो क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जो 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 हमारा कंसेप्ट है उसकी अगर मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो वो ये है। इसकी अगर मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं तो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्या? दिस इज द लाइन, इसका मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो मुझे गिवन है एम, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है वो मुझे गिवन है एक्स वन वाई वन। और मैंने क्या एज्यूम किया? थर्ड इन्फॉर्मेशन मैं खुद दूंगा, लेट एनी जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन बी एक्स। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। यहां तक कुछ भी डाउट है तो आप, यहां तक क्लियर हो गया आपका? ठीक है, चलो जब आगे चल। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? एम होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन किसका इक्वल होता है? एम होता है। अब देखो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बनी कैसे? स्लोप ऑफ अ लाइन एम के इक्वल होता है, और अगर हमें लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे हमारे एग्जांपल, हमारे इस केस में हमारे दो पॉइंट्स गिवन है, एक तो गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन, एक जनरल पॉइंट है एक्स, तो क्या आप एग्री करते हो? ये हो गया एक्स वन वाई वन, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स टू वाई टू। तो ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा?
वाई टू माइनस वाई वन दैट इज वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन हुआ, बस यहीं से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन बल्कि इक्वेशन, जो स्लोप आपको एम गिवन था उसको आपने इससे रिलेट किया उसके फॉर्मूले से और आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? पॉइंट स्लोप। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो मैं आगे, ठीक है चलो जी अब आगे चलते हैं। अब इस पर बेस्ड आता है आपका, मैं ऑर्डर वाइज नहीं करवा रहा हूँ, पहले मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू से आपको समझना ज्यादा ही। पहले मैं क्वेश्चन वन नहीं ले रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर टू का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर टू इज देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन, बट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहा जा रहा है? पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3, एक पासिंग पॉइंट गिवन है और मुझे स्लोप, और मेरे पास क्या है इंफॉर्मेशन है दैट द स्लोप ऑफ द लाइन हैज बी, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है तो देखो, अब बताओ क्या फॉर्मूला बताया था, फाइंड क्या करनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ, क्या होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यस और नो? तो ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है? ये एक्स वन है और ये क्या है वाई, तो ये आपका क्या है m, एग्री करते हो? तो ये क्या होना चाहिए? वाई माइनस थ्री, एम की जगह क्या आ जाएगा 1/2, एक्स माइनस एक्स वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये जो टू डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टू विद इन ब्रैकेट वाई माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फोर, क्या ये एग्री करते हो? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर, ये हो जाएगा टू वाई और माइनस क्या हो जाएगा सिक्स। अब देखो तो कहना ही से दैट जो मेरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी एक्स, ये प्लस टू वाई है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस टू वाई, फिर है प्लस फोर, माइनस सिक्स को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो प्लस सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स, फाइनली बट वी विल हैव एक्स माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है देखो जी, तो ये आपका क्वेश्चन था, दीज आर द गिवन इन्फॉर्मेशन, दीज आर द गिवन इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज आपको एम की वैल्यू गिवन है, सेकंड दो पॉइंट गिवन, पॉइंट का मतलब एक्स वन भी गिवन था वाई वन भी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला देखो, मुझे स्लोप की वैल्यू गिवन है, अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आपको एम गिवन है और एम का फॉर्मूला क्या होता है वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स, समझ आ गया? एम की जगह क्या लिखोगे 1/2, y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह क्या आ जाएगा थ्री, फिर अपॉन में x माइनस एक्स वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बात समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस, सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये तरह से आपका समझ आ गया? ठीक है कैसे आया कि टू को आपने वाई माइनस थ्री से किया होगा तो टू इंटू वाई कितना हो जाएगा टू वाई टू इंटू माइनस थ्री माइनस, और ये हो गया एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर तो वन से करोगे तो एक्स प्लस फोर हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर प्लस टू वाई यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस टू वाई, माइनस सिक्स यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस टू बाई सिक्स प्लस फोर क्या हो जाएगा टेन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, इज इट क्लियर? ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, पासिंग थ्रू 0, 0 दिस स्लोप इक्वल टू एफ। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, स्लोप की वैल्यू क्या है एम, 0, 0 का मतलब एक्स वन जीरो वाई वन जीरो, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर। पहला पॉइंट ये एम का मतलब क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे हमारे केस में यहाँ पर देखो एक्स वन वाई वन जो है आपका, हमारे केस में यहाँ पर अगर मैं एक्स वन वाई वन की बात करता हूँ तो वो तो है 0, 0 एग्री करते हो, और अगर मैं एक्स टू वाई टू की बात करता हूँ उसको हम लेते हैं एक्स कोमा वाई,
तो वाई टू माइनस वाई वन तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस जीरो, ये बात समझ में आ रही है। एक्स टू माइनस एक्स वन तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो, तो अपॉन में क्या हो गया एक्स माइनस, इक्वल टू में क्या हो जाएगा एम, तो वाई माइनस जीरो तो क्या हो जाएगा वाई, एक्स माइनस जीरो क्या हो जाएगा एक्स, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू एम एक्स, जिसको आप लिख सकते हो एम एक्स माइनस वाई, क्योंकि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, इक्वल टू जीरो। कोशिश ये होती है कि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखते, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव था तो हमने वाई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर। कैतरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन, अब आप इसीलिए आप इसको खुद ही बता सकते हो, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस, भाई अगर एक्स एक्सिस होगा तो वाई इक्वल टू जीरो, जिसमें वाई जीरो होता है, और वाई एक्सिस होगा एक्स, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किया, जिससे आपको कंसेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आया। और अब तो ये तो पता ही है आपको कि इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो। क्या मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊं? नहीं, सीधा वाई की एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी, तो भैया एक्स एक्सिस है तो वाई हो गएगी, वाई इक्वल टू जीरो, जैसे आपने देखा वाई इक्वल टू जीरो, तो आपको समझ में आ रहा है लाइन किससे पास हो रही है, एक्स एक्सिस। जैसे मैं कह रहा हूँ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स तो है नहीं, तो लाइन किससे पास हो रही है, वाई एक्सिस से, तो यही तो इक्वेशन होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर वन में, चले आगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,2, ये तो क्या एक्स वन वाई वन, एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस का मतलब ये आपको किसकी वैल्यू की बना है, थीटा की, यानी कि जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, 75 डिग्री। पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्म की वैल्यू पॉजिटिव है, और आपको याद होगा अगर थीटा का मतलब स्लोप की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो एम है तो किसके इक्वल होगा, y माइनस वाई वन दैट इज टू रूट अपॉन x माइनस एक्स दैट इज x माइनस टू। तो इस m की जगह क्या आएगा, 1075, m की जगह क्या आएगा, 1075। 1075 का मतलब क्या हो गया, क्या आप एग्री करते हो, 1045 प्लस 30, 1075 का मतलब क्या हो गया, 1045 प्लस 30, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ, यहां पर अप्लाई करोगे 10a+b, पहले बताओ इतनी कहानी क्लियर है, इतनी कहानी क्लियर होगी सबको? ठीक है, तो देखो अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो क्या समझाया, कि एक्स वन की वैल्यू क्या है 2, वाई वन की वैल्यू है 2√3, और एम की वैल्यू क्या है 1075। पहले हम एम को सॉल्व करते हैं, एम को 75 का मतलब हो गया 1045 प्लस 30, इसका मतलब हो गया 10a+, 10a+b क्या हो गया, 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, कैसी तरह से वैल्यू होती थी, ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब मुझे ये बताओ 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1045 की जगह आ जाएगा 1, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√1 माइनस 1045 की जगह फिर क्या आ जाएगा, 1 × 1030 की जगह हो जाएगा 1/√। कितनी बात समझ में आ गई, क्लियर आता है? ठीक है, जब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1/√3, इसका मतलब हो गया 1/1 + 1/√, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √3, √3 × 1 कितना हो जाएगा, √3, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वाइल सॉल्विंग दिस कैन आई से दैट ये आपका न्यूमरेटर में जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये था आपका √3 + 1/√3, ये कितना था, √3 + 1/√3, तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा √3 + 1 / √3 - 1। ये समझ में आ रहा है? फिर आप इसको क्या कर दोगे, रैशनलाइज करो, जब रैशनलाइज करोगे तो माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। कितनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो व्हाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका a+b दैट इज a+b होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा a-b a+b दैट इज a² दैट इज √3² माइनस b² दैट इज 1², तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका 2। अब यहां देख, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये है आपका a+b का होल स्क्वायर,
तो ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्री करते हो? रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये आपका हो गया 2। और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, व्हाइल सॉल्विंग दिस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस में क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन में 2। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2+√3 और अपॉन में आ जाएगा 2। क्या ना इसे स्लोप की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2+√3। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2+√3। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन पर आ जाओ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम, और m हमारा क्या है यहाँ पे 2+, राइट। अब क्वेश्चन में अगर आप जाओ तो आपको एक्स वन और वाई वन की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वो है 2, और वाई वन की जो वैल्यू गिवन है वो है, कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जब मैं अप्लाई करूंगा तो पहले क्या होता है y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह क्या आ जाएगा अपॉन में x माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह क्या आ जाएगा, इतनी बात क्लियर है? इक्वल टू m, m आपने अभी फाइंड किया है, m कितना आया था हमारा 2+√3। क्या मैं इसको ले सकता हूँ 2+√3 बाय 1, ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस 2√3 को 1 के साथ करोगे तो ये तो y माइनस 2√3 रहेगा, और 2+√3 को x माइनस 2 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 2+√3 इंटू एक्स माइनस, यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करो तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी y माइनस 2√3, 2 को x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2 को माइनस 2 के साथ करोगे तो माइनस 2, रूट थ्री को एक्स के साथ करोगे तो √3x, रूट थ्री को माइनस 2 के साथ करोगे तो माइनस 2। ये क्लियर हो गया? सेम वैल्यू विद सेम साइन, अपोजिट साइड में कैंसिल हो जाएगी, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस √3x प्लस y, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y माइनस 4 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, क्या मैं इन दोनों से x कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2+, और माइनस में क्या आ जाएगा y और माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी आपकी 2+√3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, यानी कि आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। बस आप मुझे ये बता दो कि आप किस, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो पॉइंट क्या बनेगा, बोलो जी। अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, अब लाइन आपको क्या कहा जा रहा है, अगर आप क्वेश्चन पे जाओ तो आपको ये कहा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो एग्री कर दो, ये तो ओरिजिन हो गया, 2 यूनिट टू द 3 यूनिट टू द लेफ्ट, और किस पर, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे मैं अगर मैं ओरिजिन से लेफ्ट में जाता हूँ 3 यूनिट में, तो ये जो पॉइंट है ये होना चाहिए -3.0, क्या होना चाहिए -3.0, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन होगी जो मुझे फाइंड किससे पास हो रही है, -3.0, कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा, तो कहने से दैट एक्स वन इक्वल टू क्या हो गया -3 और वाई वन इक्वल टू क्या हो गया 0, स्लोप भी गिवन है, एम की वैल्यू भी गिवन है -2। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसी वजह से जो स्लोप है आपका वो नेगेटिव, क्वेश्चन देखिए ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन फाइंड करोगे तो आप क्या कहोगे वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन की जगह क्या आ जाएगा 0 अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू एम, एम की जगह आ जाएगा -2, बस इसको स्लोप करके आपका आंसर है, कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, देखो क्वेश्चन में जो बात कही जा रही है वो ये इसी तरह की कोई लाइन होगी, आप किस पॉइंट से पास होगी -3.0 से, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट एक्स वन इज इक्वल टू -3 वाई वन इज इक्वल टू 0 और एम की वैल्यू क्या है आपकी
माइनस एम की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस की बात समझ में आ रही है ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करोगे इट विल बी वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन की जगह क्या सी अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह माइनस इक्वल टू एम, और एम की जगह क्या हो जाएगा माइनस, कितनी बात समझ में आ रही है ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, वाई माइनस जीरो कितना हो जाएगा वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं लिखूं एक्स प्लस थ्री, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस। जब आप इसको सॉल्व करोगे वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, वाई इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स प्लस, एग्री करते हो, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री माइनस। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे, फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी व्हाट, यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, एग्री कर दो, समझ में आ गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट अबव द ओरिजिन। पहले हम आगे बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो लाइन कुछ इस तरह से बन, जो लाइन की अगर हम बात करेंगे इस तरह से बन। अब देखो आपको कहा जा रहा है लाइन किसके साथ कितना एंगल बना रही, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है टू यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप एग्री कर लो, एक्स वन इक्वल टू जीरो होगा, वाई वन इक्वल टू टू होगा, और एम की वैल्यू क्या होगी 10 30 डिग्री। अब एम कितना है आपका 1/2, एम कितना होगा 1/2, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है टूवर्ड द राइट डायरेक्शन जाएगी लाइन, तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है टूवर्ड द राइट, नेगेटिव होगी टूवर्ड द लेफ्ट, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो लाइन जो जा रही है वो टूवर्ड द राइट डायरेक्शन, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती तो टू मोर द लेफ्ट, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, या तो समझ में आ रही है बात ठीक है। अब जब आप उसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई, वाई वन की जगह क्या आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एम, एम क्या है 10 30, 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई इंटू रूट थ्री, वाई माइनस टू इंटू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा एक्स, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो माइनस वाई रूट थ्री, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा प्लस टू, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 7। पास आपको कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट माइनस वन कॉमा वन एंड टू कॉमा माइनस, देखो यहाँ पर लाइन के दो गिवन पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है दो गिवन, अगर लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो, अगर लाइन के कितने पॉइंट्स गिवन हो टू पॉइंट्स गिवन हो, तब जो आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू, फॉर्मूला तो देखो वही रहेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी एम एक्स माइनस एक्स, लेकिन अब स्लोप कैसे फाइंड करोगे, अब आपको ये वाला पॉइंट आपका एक्स वन वाई वन है, ये वाला पॉइंट क्या है एक्स टू वाई, कैन आई से दैट वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम की जगह क्या आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्लोप तो फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको क्या है स्लोप गिवन नहीं, अब आपको स्लोप गिवन नहीं है, और इन टू में क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स। अब अगर मैं इन सबकी वैल्यू पुट करूँ, क्या पुट करता हूँ वैल्यू, तो देखो वाई माइनस वाई वन बताओ वाई वन की जगह क्या आ जाएगा वन, वाई टू माइनस वाई वन तो क्या होना चाहिए माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो टू प्लस वन इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन, क्या इससे एग्री करते हो, तो हमारी बात ठीक है, क्या होगा ये वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस, ये भी समझ में आ गया, थ्री को यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस वन। अब इसको सॉल्व करो ये क्या हो जाएगा थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव एक्स माइनस, अब ये नेगेटिव है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा फाइव एक्स,
प्लस में क्या हो जाएगा, थ्री वाई माइनस थ्री, माइनस फाइव को भी यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, प्लस फाइव इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो। क्या आप एग्री कर, तो फाइनल आंसर फिर क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर इज 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू जीरो, इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, स्लोप तो गिवन है नहीं, अभी तक क्या था, एक पॉइंट और स्लोप गिवन, पहले आपको स्लोप, क्वेश्चन ऑफ लाइन तो वही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हमें स्लोप को अब फाइंड करना है। तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, कितनी बार समझ में आ गई, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।